गाइस, दिस इज पहल फ्रॉम पहल क्रिएशन। और आज मैं स्कूल नहीं गई, छुट्टी करी थी आज मैंने। और उसके बाद आज सुबह जब मैंने छुट्टी करी तो उसके बाद में आज मेरी दीदी जो है ना वो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, तो इस वजह से उनका ना एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब प्रीमियम्स चल रहा है, जैसे हम प्री बोर्ड्स भी कहते हैं, शायद से प्री बोर्ड्स भी कहा जाता है। तो वो अभी चल रहे हैं उनके एग्ज़ाम, तो उसके लिए अभी क्या हो रहा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके, तो उनको उसकी तैयारी करनी है। आज मैं स्कूल नहीं गई लेकिन आज उनका एग्ज़ाम था, मेरे सारे बाल खराब लगे ऐसे बुक में, तो आज उनके एग्ज़ाम था लेकिन आज मैं नहीं गई, वो गई। उनका एग्ज़ाम अभी ऐसे चल रहा है कि 8 बजे जाओ और फिर 9:30 बजे वापस आओ, 8:30 पर शायद वहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाओगा और 9:30 पर ख़त्म, फिर जाओ वापस। मेरे भी अभी 24 से स्टार्ट हो गए, मार्च 24 से स्टार्ट हो गया और 31 से ख़त्म। मेरे अभी 7 वीक पे एग्ज़ाम होते हैं मेरे, क्योंकि 2 न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं और EBS की जगह हिस्ट्री यूज़ किया जाता है, सो इस वजह से अब मेरे भी एग्ज़ाम होने वाला कुछ टाइम में। 24 को है पहला एग्ज़ाम हिस्ट्री का, फिर 25 को है मराठी, फिर 26 को है कौन सा है वो नहीं यार, फिर 27 को छुट्टी है, फिर 28 को है, 29 को है, 30 को है, 31, मतलब बीच में एक संडे तो आता है, एक हफ्ता लगेगा शायद वो, फिर आई डोंट नो कौन से दिन है, भूल गई। हाँ लेकिन फिर जब हमें को मालूम पड़ा तो अभी मेरे पास आज 4 तारीख है, 4 मार्च, ठीक है, तो मैंने मेरे को अभी मतलब 20 दिन है, तो मेरा एक आध कॉपी का काम थोड़ा सा इनकम्प्लीट था तो मैंने आज वो भी कंप्लीट कर लिया, छुट्टी की चीज़ों के है ना उसका काम कंप्लीट कर लिया, फिर थोड़ा बहुत अभी याद भी करना है मेरे को, मराठी का मेन है मेरे को मराठी थोड़ा टफ है ना, इसलिए तो मुझे मराठी भी करना है। उसके बाद कुछ नहीं, मेरे पैर वो कुछ ब्लैक ब्लैक सा था तो मुझे लगा कोई नील पील पड़ गई है, चोट लगी होगी, तो उसके लिए उसके बाद आज मैंने उत्तपम खाया। कल रात को मैंने मम्मा को कहा था कि मम्मा कल सुबह के लिए सूजी ले लो, मम्मा ने कहा सूजी क्यों, मैंने बोला मुझे कल उत्तपम खाना है, तो मम्मा ने कहा अच्छा, फिर मम्मा ने मेरे लिए उत्तपम के लिए सूजी ली। अब मेरा पैनकेक खाने का मन हो रहा है विथ कैरम सॉस ही बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब मेरा मन कर रहा है कि पैनकेक लूँ, 3-4 मोटे मोटे फूले वाले पैनकेक और उनके साथ ऊपर होगा पूरा हनी, फिर बटर ऐसे हो, नहीं तो फिर चॉक। एक बार बता क्या होता, हम पंजाब में थे वहाँ पे मम्मा ने पैनकेक बनाए थे, नहीं तो कुछ ये तो मेरे मम्मा ने चीनी वाली रोटी बनाई होगी, शायद चीनी वाली रोटी थी, मतलब कि मम्मा पराठा बनाती है, पराठे के अंदर चीनी डाल देती है बीच में, मैं वो खाती थी, बड़ा मस्त होता है। आज अभी कुछ टाइम से नहीं खाया तो आज कल मैं वो बोलूँगी कि मम्मा वह चीनी वाला पराठा खाना है, तो उसके ऊपर मैंने क्या किया था, 3 चीनी के पराठे लिए, वो एक चीनी का पराठा इतना मोटा होता है बस, तो वो कड़क होता था तो ऐसे ऐसे करके बस इतना मोटा बन जाता था, 3 को अगर बनाया जाए, तो उसके ऊपर मैंने चाचू को जो थे तो चोरी छुपी गई, हाँ मैंने चाचू को बोला कि चाचू आप मुझे अंदर से थोड़े चॉकलेट सिरप वगैरह चाहिए, उन्होंने पूछा कि मैंने बताया कि इसलिए, फिर उन्होंने मैं अंदर गई चॉकलेट सिरप लिया, ढेर सारा चॉकलेट सिरप डाला, फिर उसके बाद मैंने वो डाला स्प्रिंकल्स, बड़ा मज़ा आया, फिर मैंने उसको खाया मज़े से ऐसे, वो भी खाने वाली थी मैं फोक और चाकू से, लेकिन चाकू के लिए पापा ने मना करा क्योंकि वो चमक, मतलब या तो मेरे को चाकू हाथ से खाना पड़ेगा नहीं तो मुझे दूसरा प्लेट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कांच की प्लेट थी और उससे स्क्रैच कर जाता, नहीं तो हो सकता है चाकू से टूट भी जाता, चाकू हमारा वो नहीं था ना बटर नाइफ, हमारा कटिंग नाइफ था, सब्जी वब्जी जैसे काटते हैं वो वाला, जैसे खून भी किया जा सकता है वो वाला, तो उससे हमने कर देते, तो इसलिए मेरे को फिर प्लेट बदलनी पड़ी, फिर मुझे चाकू और फोक से खाना बड़ा पसंद है। और आज सैटरडे है, इस वजह से आज पता क्या हुआ, अभी जब मैं आ रही थी ना बाहर वीडियो बनाने के लिए तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा यू टॉनी को बाहर जाने का, तो मैंने बोला मम्मा कि मैं उसको ले जाती हूँ अपने साथ, मतलब कि मैं अपना वीडियो बनाऊंगी और वो अपना घूमता रहेगा, यही पास में ही मेरा रहेगा ना, क्योंकि ये जहाँ अगर हम जहाँ रहते हैं उस आस पास में ही रहता है, बस ये एटीट्यूड दिखाना होता है उसको अपना कि रुतवा दिखाना था कि मैं आप लोगों पर निर्भर हूँ, ऐसा कुछ दिखाना आता है, तो इसलिए
हाँ, कल टॉनी के ऊपर पता क्या हुआ, टॉनी ना हम उसको अपने साथ ना बाजार लेके गए थे, तो मतलब गाड़ी में उसको बैठाया, हम बैठे वो भी बैठा। फिर उसके बाद आते समय क्या हुआ कि टॉनी खुला था क्योंकि उसकी बेल्ट तो थी हमारे पास बेल्ट, लेकिन हम उसे खुला लाए थे है ना। तो टॉनी वो फिर गया अपना गाड़ी के पास में थोड़ा वॉशरूम पॉटी की, उसके बाद पॉटी करने के बाद वो आ रहा था, आते वक्त उसको एक इंसान दिख गया, वो उसके पास गया, सूंघने लग गया, थोड़ा सा कर रहा था। फिर उसके बाद जाके क्या हुआ कि वो आदमी फोन पे बात कर रहा था, उससे देखा वो उससे घुरा रहा है टॉनी, उन्होंने ऊपर से बस ऐसे करा, मतलब हवा में उसके सर के ऊपर से ऐसे गया, ऐसे सर से है ना, टॉनी वापस आ गया। फिर उसके बाद आज तो मम्मा ने मना करा कि था कि आज सैटरडे आज भीड़ भी होगी बहुत, इस वजह से मम्मा ने टॉनी को खुला लाने के लिए मना कर दिया था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि अगर टॉनी को खुला, क्योंकि एक तो मैं अकेली होती है ना, अगर यहाँ रिवर बैंक की पाखी है ना, वहाँ से लोग बैठना स्टार्ट करते हैं और वहीं से स्टार्ट है, दिखाती हूँ। अभी लोग बढ़ चुके हैं, अभी पहले जब मैं आई थी ना तो रिवर बैंक के पार्किंग तक कोई नहीं बैठे, तब रिवर बैंक के पास तक बैठे लोग, तो ऐसा हुआ था। तो इसके बाद जाके क्या हुआ कि उधर तक लोग नहीं थे तब, तो इसलिए मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ने कहा नहीं रहन दे, फिर भी कुछ पता नहीं, अगर तेरे से नहीं संभला टॉनी वापस नहीं आया तो कैसा होगा। इसलिए अभी थोड़ी हवा भी तेज़ हो चुकी है और शोर भी बहुत हो रहा है और लोग भी अब बहुत आ चुके हैं। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बेल क्रिएशन एंड सी ऑल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।